करीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नईम मुश्ताक है। आज हमने एक मजाक किया अब्दुस्तार भाईजान के साथ। मैं इस वक्त मनाजुल कुरान फ्री दे मिले थे रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में मौजूद हूँ, और हमारे साथ एक खुफिया शख्सियत भी हैं जो कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं, वो मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। तो मैं उनके पास गया था, मैंने कहा जी फ़ोन करें अब्दुस्तार भाई को कि अवेलेबल हैं कि नहीं है दफ्तर में। उन्होंने कहा जी मैं हूँ। मैंने कहा आज चाय पीते इकट्ठे। तो चाय पीने के बहाने हमने इनको खुफिया तौर पे बुला लिया, बग़ैर बताया कि अब आगे हमने करना क्या है। तो जब आए तो फिर हम इनको इधर कमरे में ले आए जहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ था। तो अब हमने कहा है कि जितनी देर में चाय आती है उतनी देर में हम आपसे बात करेंगे और हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू नहीं है, गपशप है, कन्वर्सेशन है। और मैंने सोचा कि अब चूँकि इधर हैं तो इनकी एक किताब है वो काफ़ी पॉपुलर हुई है, मुझे भी मिली थी। तो अब उसके काफ़ी एडिशन आ गए मेरे ख्याल में। जी 3 एडिशन उसके आ चुके हैं। 3 एडिशन आ गए। अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल इन्जॉय करना, रिलैक्स करना है। हमने चाय पीनी है, चाय में गपशप जो होगी ठीक है सर, वही हमारी बस होगी। ठीक है जी। तो हमारा इस इंटरव्यू के कंडक्ट करने का क्रेडिट जिनको जाता है, मैं आपको उनकी ज़्यारत भी करा दूँ। ये दे लो, खुद है अफसरां वाली चेयर से बैठे ने, तो सानू इन्हों ने छोटी चेयर से बिठाया है। तो बहरहाल अफजल कादरी साहब से मैंने कहा चौंके आपकी मौजूदगी से ज़रा हमें दोनों को हौसला रहता है, तो इसलिए। तो पहले तो ये बताएं, ये है जनाब किताब कामयाब ज़िंदगी दौरे नू बलूगत के सवाला, दौरे नू बलूगत सही लग पड़ा। तो ये किताब है दौरे नौ। ठीक है, तो ये किताब है, इसका आप टाइटल देख लें, मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा। ये इसका बैकग्राउंड टाइटल है और पेपर क्वालिटी और फॉन्ट और इसकी रिसर्च जो फॉर्मेटिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। पहले तो ये बताएं कि ये किताब है क्या, ताकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरह का एक इनफॉर्मल मौका मुहैया किया। मुझे चूँकि प्रैक्टिस नहीं है इस तरह के मामलों में, तो आपने बड़ा अच्छा मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। इसके अंदर बेसिकली सर जो चीज़ें हैं वो पहला जो चैप्टर है ख़ास तौर पर वो मेरे बच्चों के क्वेश्चंस पर मबनी है, जो पिछले 2-3 साल 4 साल से वो मेरे साथ वॉकिंग के दौरान पूछते रहे। ठीक है, ज़मीन क्यों है, आसमान क्यों है, सितारे क्यों गर्दिश करते हैं, रब ने कायनात क्यों बनाई, हमें क्यों पैदा किया, रिश्ते क्यों पैदा किए, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की डिफरेंट किस्म की चीज़ें। वो मैं उन्हें बताता रहता, फिर मैं सोचता कि यार ये जो मैं चीज़ें इन्हें बता रहा हूँ ये हवा में उड़ती जा रही हैं। अगले दिन, हफ्ते बाद, 2-4 महीने बाद मैं उनको पूछता हूँ या डिस्कस करता हूँ तो आधी उन्हें भूली हुई होती है। अच्छा, डेफिनेटली बच्चे हैं तो उनका एक लेवल है, वो उससे ऊपर की चीज़ें तो उनको नहीं याद रहेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं पॉइंट्स लेना शुरू करूँगी इनकी चीज़ों, मैं क्यों ना एक मज़मून लिखूँ। जस्ट एक आर्टिकल का आइडिया मेरे जहन में था पहले चैप्टर के हवाले से। ठीक, वो फैलते फैलते जब ज़्यादा फैल गया तो उसी असना में एक दोस्त हमें मिले, उन्होंने फरमाया कि यार ये जो है ना मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया काफ़ी, अब मैं चाहता हूँ उसको कुछ चीज़ें बताऊँ इस तरह की, तो एक हया माने आती है, मैं फादर हूँ, वो मेरा बेटा है, तो मैं उसको कोई ऐसी किताब रिकमेंड करें जो मैं उसको गाइड करूँ। जी जी ठीक। वो 2-3 दोस्तों में डिस्कशन हुई तो उस पर भी मुझे किसी ने कहा भाई यार आप इसके ऊपर कलम उठाएं। ठीक है, इसका जो चौथा चैप्टर है वो इसकी बैकग्राउंड बन गया, शर्म हया और इस्तेहसार, खास तौर पे बच्चों का मिसयूज़ जो होता है, अभी वो चाइल्ड अब्यूज़ है उस हवाले से भी, और शर्म हया की लिमिट्स जो हैं वो कुछ खुद साख्ता हमारी लिमिट्स हैं बरसगीर की, और इस्लामिक जो लिमिट्स हैं उनको हम क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, और अपनी फ़र्जी लिमिट्स हमने खाम खा की बनाई हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा बाजार में देखते हैं वो बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, गंदी गालियाँ देता है अपने बच्चे की मौजूदगी में, जिन गालियों का मीनिंग नहीं वो बच्चे के सामने बता सकता, लेकिन वो अपने बच्चों को वजू तहारत गुसल के जो है ना मसाइल नहीं बताता, उसमें वो कहता है मुझे हयात ही है। यानी इस्लाम जो उसको चाहता है कि वो उसको अपने बच्चे को वो सिखाए बताए, उससे वो हया कर रहा है, और बेहयाई की बातें वो खुले आम जो है ख्वातीन की मौजूदगी में बाजारों में जो है वो गालियाँ बकरे होते हैं लोग, और हम ऐसा देखते हैं। तो ये एक बेइतदाली का मुआशरा है हमारा, उसको इतदाल में लेके आना, इसके ऊपर एक एफर्ट है वो जो चौथा चैप्टर स्पेशली आ जाता है। तो ये 2 चैप्टर मेरे मेन फोकस था। ठीक है, फिर इनको आपस में ब्रिज अप करना कि ये कैसे, मैं इसको नज़्म में कैसे ले गया हूँ, इस पर काफ़ी मुझे सोच विचार करना पड़ा। फिर दरमियान में 2 चैप्टर जिस्मानी पाकीज़गी और रूहानी पाकीज़गी के ऐड हुए, जिससे वो नज़्म बन गया कि इंसान जो है वो इस प्लानट का बाशिंदा नहीं है, स्टार्ट हमने इससे ले लिया, इंसान एलियन है किसी और सैारे से जैसे आया, हालांकि सैारा तो हम उसे नहीं कह सकते क्योंकि वो जाहिर सी बात है मादी दुनिया तो नहीं थी जहाँ से इंसान आया,
तो वहाँ से इंसान आया, फिर इस दुनिया में आया और यहाँ अपना टाइम पीरियड गुजार के वापस चला जाता है, तो यहाँ उसे दो चीज़ों से सबका पड़ता है, एक जिस्मानी पाकिजगी उसने अपनी बरकरार रखनी है, जिस्मानी आलाइशों से बचने के लिए क्या पूरी पूरी तहारत का इंतजाम रखना है, और दूसरा रूहानी पाकिजगी। रूहानी पाकिजगी में फिर मैंने तीन पॉइंट लिए हैं, तीन आलाइशें हैं। एक शिर्क की आलाइश है, उसको ईमान ख़त्म करता है, आप ईमान के ऊपर अगर कारबंद हो जाते हैं। दूसरा जो है वो क्या कहते हैं आदाब हैं, आदाब ज़िंदगी, और तीसरा अखलाक, कि आपका मन जो है वो अंदर से भी चेंज, जो सिर्फ ज़ाहरी दिखावा आपका ना हो बल्कि मन के अंदर भी तब्दीली आए। यानी आपकी किताब के जो मेन थीम है वो आपकी इनर प्योरिफिकेशन है, और यानी स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन है और फिज़िकल प्योरिफिकेशन है। जी जी। तो इसके अपने अपने जो कह लीजिए तरीके, इनकी हदूद क्या है, और मुआशरे में जो जो हमारा बैलेंस नहीं है इन हदूद को मेंटेन रखने का, उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारा आपने इस किताब में बयान किया। टोटल कितने चैप्टर हैं इस किताब में? सर इसमें 5 चैप्टर्स हैं। अच्छा, 4 चैप्टर्स का जिक्र तो मैंने कर दिया अभी, 5वां चैप्टर जो है वो कुछ वाक़यात पे मबनी है, उसमें कुछ इस्लामी वाक़यात हैं, कुछ बयान करें उसके अंदर भी हमने मतलब उसमें एक तो किस्सा आदम व हव्वा है। अच्छा, ठीक है, इंसान आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन के ऊपर आना और वो सारा मामला है, उसको भी एक ऐसे अंदाज से लिया है जो कई उसमें क्वेश्चंस कई होते हैं। मसलन मेरा क्वेश्चन होता था जब मैं यंग था, मैं सोचता था कि यार अल्लाह ताला ने अगर आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे अपनी खिलाफत दे के भेजना था तो फिर ये पनिशमेंट वाली सूरत क्यों बनी? ज़ाहिर तो ये पनिशमेंट है। अब एक सोच कहती है कि यार खुदा ने जो है ना वो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन तो आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो बड़े मतलब बेआबरू करके निकाला गया। एक सोच ये है। दूसरी सोच है, नहीं यार इन्नी जाहिलन फिलहाल खलीफा, हमने तो खलीफा बना के भेजा, तो अब जब खलीफा ही बनाना था तो ऐसा मौका क्यों चूज़ किया गया? एक्चुअली अगर हम इसकी थोड़ी स्टडी करते हैं ना कि जन्नत का माहौल क्या था, उस माहौल के अंदर रहन सहन क्या था, उस माहौल के मुताबिक मौजूदा जिस्म नहीं है हमारा। मौजूदा जिस्म अगर वहाँ चला जाएगा तो गलाजतें लेके जाएगा। हमारे जिस्म के अंदर खून दौड़ता है, यूँ ही बदन से बाहर आता है वो गलाजत होता है, हमारे जिस्म से और भी कई गलाजतें नमदार होती हैं। ठीक है, तो ये जन्नत में जाने के काबिल तो नहीं है प्योरीफिकेशन के बगैर। उस प्लानट पे, या प्लानट का लफ्ज़ तो मैं गलत उसे यूज़ कर रहा हूँ, उस जगह पे जब जन्नत में थे तो वहाँ पे इंसान के जो क्या कहते हैं शर्मगाहें थी वो फितरी तौर पे खुफिया थी। ठीक है, ठीक है, फितरी तौर पे खुफिया थी, और वो उस वक्त तक नमूदार नहीं हो सकती थी जब तक वो दाना नहीं खाया जाता। तो रब ने वो आने का इंतज़ाम पहले से किया हुआ था, प्री प्लान था सारा कुछ। अल्लामा इकबाल ने इसी को जिक्र किया इबलीस के और जिब्रील के मुकालमे के अंदर, वो पहले से तयशुदा था सारा मामला, मैं तो यहीं रगड़ा गया हूँ, इबलीस ये कहता है। अच्छा, ठीक ठीक, अगर कभी खलवत मैसर हो तो पूछ अल्लाह से किस्सा ये आदम को रंगीन करके आ किसका लहू। मैं तो यहीं कुर्बानी दे गया हूँ बीच में, असल में तो प्लानिंग तो आपकी पहले से थी और उसी के अंदर ये सारा कुछ हुआ। ये हमारी चाय भी आ गई है साथ, इस चाय के बिल का क्रेडिट आपको जाता है। मैंने अनाउंस इसलिए किया कि तुझे ना भी देना, उन देना पेगा। अच्छा, तो एक चाय और भी लेना अफजल साहब बैठे तो। अच्छा, सॉरी हम बीच में लगे हुए, ये भी साथ। अब जब तक वो दाना ए गंदम नहीं खाया जाता, जिस्म में वो तब्दीलियां नमूदार नहीं होती जिससे नस्ल आदम आगाज हो सके, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कुरान मजीद में इसका जिक्र है कि जो ही उन्होंने वो दाना खाया तो उसके बाद तफिका यख सिफान में वरखिल जन्ना, तो उनको वो अपने बदन को ढांपने के लिए पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल करना पड़े, उससे पहले वो बदन को ढांपने की उन्हें हाजत नहीं थी, कि वो जो प्राइवेट अज़ा हैं वो नमूदार ही नहीं हुए थे, और वो फिज़िकल चेंजेस आई हैं वो दाना खा के, और वो दाना रखा ही इसलिए गया था कि उससे फिजिकल चेंज आए और फिर ये दूरी और ये हिजर शुरू हो जाए, फिर इंसान को जो है वो यहाँ भेज दिया गया। ये पहले से प्लानिंग पूरी बनी हुई थी। तो ये उस किस्से में, यानी कि पहला जो उसका वाक्य है उसके अंदर इस चीज़ को लिया। इसी तरह दीगर वाक्यात में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में हम देखते हैं कि डिस्कस नहीं भी लोग करते। मसलन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलैखा का किस्सा, वो वाकया वाकये के अंदाज़ में अहसनुल कसस है, तो उसका नतीजा भी बड़ा ज़बरदस्त उसके अंदर निकाला गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसमें हिकमतें क्या थी। मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में हम देखते हैं 5-6 मौके ऐसे आते हैं कि जब खुदा का दुश्मन खुदा की प्लानिंग के मुताबिक काम कर रहा होता है। यानी मैं समझ गया, अगर वो कुएं में ना डालते तो मिस्र तक पहुंचने का तो अमल शुरू ही नहीं होना था। नहीं होना, तो कुएं में किसने डाला? वो तो नबी से के मतलब दुश्मनी ले रहे थे, नबी की अपने वालिद की जो उनके नबी थे
उनकी बात मानने के अगेंस्ट जा रहे थे और अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने सारा कुछ किया, लेकिन वो अल्लाह की हिकमत के मुतवाजी चल रहे थे। हम कहते हैं ना कि ह्यूमन प्लान के अंदर एक डिवाइन प्लान भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली, तकदीर इलाही छुपी होती है, इंसान सोचता है जो मैं कर रहा हूँ मैं अपना मर्जी का मालिक हूँ। तो रब अपने जो होते हैं वो इबलीस से भी उसने काम लिया, उसने जुलैखा से भी काम लिया, जुलैखा से काम लेके तो उनको जेल में भिजवाया। अब ना जेल में जाते, ना वहाँ पे वो अपने सहाबा की, अपने जो उनके साथी थे उनकी वो तरबियत करते, और ना वो टीम मैसर आती जो बाद में पूरी सल्तनत का निज़ाम संभाल पाती। तो इस तरह की कई हिकमतें हमें इस वाक्य के अंदर मिलती। तो हर चीज़ को इसी तरीके से लिया कि थोड़ी चीज़ें उसके अंदर ऐसी यूनिक हों। नौजवानों को पढ़ने से ये तासर पैदा होगा जो आपकी बातें सुन के मुझे हो रहा है कि ज़िंदगी में जब कामयाबी मिलती है तो उसके पीछे एक जद्दोजहद की तकालीफ का सफ़र भी होता है जो उस कामयाबी के लिए रिक्वायर्ड है। हमारे यहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि आपको सक्सेस मिल जाएगी विदाउट गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से बचें, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग है, हो ही नहीं सकता। तो इस्लाम का जो आपने भी किताब में बयान फरमाया कि सक्सेस मुजाहदे से रियाजत से गुजरे बगैर नहीं मिलती। सर, गम के बगैर कभी खुशी नहीं मिलेगी, उसर के बगैर कभी यसर नहीं मिलेगा। इन्ना मालूसर यसरा, अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा गम अगर हम पढ़ते हैं तो वो एक एक शेर जो है ना वो सोने के हरूफ से लिखने के लिए बहुत ही प्यारी गुफ्तगू है। हर शेर के अंदर बड़ा कमाल की बात है। गम के बगैर खुशी कभी नहीं मिल सकती। राज है इंसान का दिल, गम इंकशाफ राज है। माशाल्लाह, तो गम के बगैर खुशी कभी नहीं मिल सकती। और राहत जो होती है वो पीछे बड़ी तवील जिद्दोजहद होती है। माशाल्लाह, लोग तो स्टेज के ऊपर पहुँच के ट्रॉफी वसूल करने का वो सीन देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पीछे कितने सालों की जिद्दोजहद होती है। वो तो खुफिया होती है, आवाम की नज़र में नहीं आती, ना ही वो डिस्कस होती है आमतौर पर। लवली, माशाल्लाह, आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। एक सरप्राइज़ मैंने आपको ये बताया था कि हमने इनको सरप्राइज़ में पकड़ लिया है, जकड़ लिया, क्या कहेंगे, काबू में कर लिया। तो अब आपके सामने बैठे हम गुफ्तगू करें। एक सरप्राइज़ मेरे जहन में था, उसका इजहार मैंने किसी से नहीं किया था। वो दूसरा सरप्राइज़ ये है, मैंने अफजल साहब से कहा था कि आप पीछे बैठे हमारी गुफ्तगू सुने, आपके होने से हमें हौसला मिल जाएगा। तो अब मैं इनको कहूँगा आप मेरी सीट पे हैं भाईजान, मैं वहाँ जाके चाय पीऊँगा, आप होस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दें, बाकी के जो सवाल हैं जो आपके जहन में हैं वो भी ज़रा आप उनसे करें। मैं उतनी देर में पीछे जाके चाय पीता हूँ, तो ये अफजल साहब अब मेरी जगह लेंगे। आ जाओ भाई, इन्हें क्यों पिए, तुझे इधर आओ ना, देखे ना पीछे बैठ के हंस रहे थे, कोई नहीं करनी, मैं इसी तरह ही जाना है सारा कुछ। आ जाओ बैठो। हेलो जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू हो गया, कुछ नहीं होता, मैं चाय पीने पीछे जा रहा हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो मैं डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी नस्ल नौ और नई पौध की तरबियत के हवाले से मोहतरम डॉक्टर अब्दुस्तार मिनहाजन साहब, उनकी किताब जो है कामयाब ज़िंदगी, जो मेरे अपने बच्चों ने भी इतनी दिलचस्पी से पढ़ी है, तीनों बेटों ने इतनी दिलचस्पी से पढ़ी है कि उस किताब का टाइटल, उसके पेज सारे उन्होंने एक तरह के बसीदा जिस तरह कर दिए हैं, इतनी दिलचस्पी से पढ़ी, अभी भी उनकी बेड बुक है। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जो हम पेरेंट्स, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि बच्चों को नहीं सिखा सकते, इस किताब के तवस्सुल से बच्चों ने अपनी तन्हाई में बैठ के इसको पढ़ा, और अमली तौर पर हम देखते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में, खसूसन पाकी और तहारत में, पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन में, और मुख्तलिफ हवालों से लोगों से गुफ्तगू शनीद में, और खसूसन इस्लाम के फ़हम में, और उसकी अखलाकियात हैं, और बच्चों की अपनी बातनी तहारत है, और उस उनका जो अखलाकी हवाले से और सोचने का जो अंदाज़ है उसमें वाज़े जो हमने फ़र्क महसूस किया, वजह उसकी यह है कि मोहतरम अब्दुस्तार मिनहाजन साहब, जिस तरह उन्होंने शुरू में अपनी गुफ्तगू में, इंट्रो में फरमाया कि ये नहीं कि उन्होंने एक चाहा, उन्हें एक शौक़ आया तो उन्होंने किताब लिख दी, दो चार किताबें पढ़ के तीसरी किताब और बना दी, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके अपने बच्चों ने जो सवालात उनसे किए, इसका मतलब है कि जो सवालात उनके बच्चों के जहन में हैं वो हर बच्चे के जहन में वही सवालात होते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन सवालात को उनके फिर जवाबात बना के महफूज कर दिया, और रहती नस्लों तक हमारी जो जनरेशन है वो मोहतरम डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब के इस वीडियो के तवस्सुल से उसका जो
तारुफ भी है और इस किताब का तारुफ भी है, इंशाल्लाह ताला लोगों तक पहुँचेगा। अब्दुस्ताद साहब से तो बात करते हैं, लेकिन मैं ज़िमनन ये बात अर्ज़ कर दूँ कि मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम सुनने वालों से और नाज़रीन से कि ये किताब जो है कामयाब ज़िंदगी डॉक्टर अब्दुस्ताद बिन हाजियन साहब की, ये आप ज़रूर अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। इस किताब की पज़ीराई का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि अब इस किताब का भी चंद माह हुए हैं, 6 माह या 5-7 माह हो गए हैं, इसके 3 एडिशन जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, छप चुके हैं, यहाँ से इसकी पज़ीराई का। हालांकि ये कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं है कि इनका पब्लिशर के साथ या दुकानों के साथ या ये मार्केटिंग कर रहे हों, इस किताब की अपने अंदर की जो तासीर है और उसकी अपनी अंदर का जो इम्पेक्ट है या तासुर है, उस इस किताब ने अपनी खुद अंदरूनी इल्मियत की वजह से सरवाइव किया है। तो इस हवाले से ये कामयाबी के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, अब्दुस्ताद बिन हाजियन साहब से, कि ये बड़े दिलचस्प किस्म के मुश्तमिलात जो अंदर हैं इन्होंने दिए हुए हैं। कुछ चीज़ों का तो इन्होंने तारफ करवा दिया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं, मतलब ये मौत का मंज़र है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जस्ट जो क्योंकि बड़े अहम चीज़ें हैं ये, इनमें से ऐसी जो यूनिक चीज़ें हैं पहली इन्होंने गुफ्तगू में ज़िक्र नहीं की, तो जिनकी बड़ी ज़रूरत है, मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ चीज़ों का जो है हमारे नाज़रीन के सामने उनका भी वो ज़िक्र कर दें। जी अब्दुस्ताद बिन हाजियन साहब, बात तो चलती रहेगी, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करवा दें कि आजकल आप क्या कर रहे हैं और किस मरकज़ पे किस किस्म की खिदमात आप सर अंजाम दे रहे हैं। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के मरकज़ पे मुझे कोई 96 में, मैं यहाँ पे पहले तो सबसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने बड़ा टाइम गुजारा और आपके साथ शरफ़ तलमुज़ मिला, मुझे काफ़ी टाइम मिला, 5-6 साल तो मैंने यहीं पर काम किया। 2003 से यानी कि पिछले 20 साल से मैं मिनहाज इंटरनेट ब्यूरो में हूँ। इस वक्त मैं डायरेक्टर मिनहाज इंटरनेट ब्यूरो हूँ और वेबसाइट्स की डेवलपमेंट, अपडेटिंग वगैरह, इन मामलों को लुक आफ्टर करता हूँ। अच्छा, ये इस किताब के मुश्तमिलात बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन मुझे आप ये फरमाएं कि वालदैन को अमूमन अपने बच्चों से कुछ मसाइल हैं, मसलन बच्चा गुस्सा बड़ा करते हैं या एक दूसरे का अपने साथ तकाबुल करते हैं या वालदैन का अदब और एहतराम का इल्तज़ाम नहीं करते, तो आपने इस अमूर को बच्चों को समझाने के लिए या उनकी तरबियत के लिए किस एंगल से लिए हैं, ये भी हमारे नाज़रीन को आप बता दें। शुक्रिया आपका, ये क्वेश्चन आप सामने लाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे के क्वेश्चंस हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया डॉक्टर मुश्ताक साहब के साथ बात होती थी। बच्चे के क्वेश्चंस अपनी जगह हैं कि बच्चा ये कहता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, मुझे सेटिस्फाई किया जाए। इसी तरह के कुछ इश्यूज़ पेरेंट्स के भी डेफिनेटली हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा नाफरमान है, बात नहीं मानता, समझाएं तो समझने के बावजूद अमल दरामद नहीं करता, बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, बड़ी जल्दी गुस्सीला हो जाता है। ये जितनी चीज़ें जो आपने ज़िक्र की हैं, जो मैंने दोहराई चंद एक, ये सारी की सारी चीज़ें वो जेनेटिकली लेके आया है या पेरेंट्स के साथ उसने माहौल में से ऑब्ज़र्व की है, दो में से एक बात है। जी जी, जब तक वो स्कूल में दाखिल नहीं होता, ये दो ही चीज़ें उसके अंदर होती हैं। जब वो स्कूल जाता है तो फिर वो हमसायों के बच्चों से भी ज़ाहिर इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, क्लास फेलोज़ के साथ भी इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, टीचर का रवैया भी उसके अंदर फिर आ जाता है। टीचर अगर पनिश कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा और वो उसके अंदर एक प्रेशर है, एक दबाव है, तो कहीं ना कहीं उसने निकालना है, छोटे भाई बहन भाइयों के ऊपर आगे निकालेगा, तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, चलो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा, चलो मेरा बात मानो, चलो मेरी बात मानो, पनिश करेगा उसी तरह जिस तरह टीचर ने किया या जिस तरह पेरेंट्स ने किया। और अगर शौहर जो है वो बीवी को सख्त लहजे में बात करता है या बीवी आगे से रिएक्शन में बहुत ज़्यादा सख्त बोलती है, तो बच्चे उसको देख रहे हैं, बोलें या ना बोलें, वो अपने मन में उस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, उनके लाशौर में वो चीज़ जा रही है। पॉसिबल है कि वो आपस में गुथम गुथा हो जाएँ, उसी उम्र में लड़ पड़ें, झगड़ पड़ें, ये गुस्से या गुस्सा और ये चीज़ें उनकी ज़ाहिर हो जाएँ। पॉसिबल है कि बड़े हो के जब उनकी शादी हो तो उस वक्त उसके बाद वो अपनी जो क्या कहते हैं शौहर है वो या बीवी हो उसकी, उस बच्चे या बच्ची की, उस वक्त वो चीज़ें ज़ाहिर हों। जी, ये चीज़ें पलट के आनी हैं, ये मकाफात अमल है। अगर हम अपने बच्चों को बेहतर लाइफ देना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि उनका रिएक्शन ऐसा ना हो, तो सबसे पहले हमें अपना रिएक्शन बदलना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट्स अगर पेरेंट्स अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से निभाएं और अपने किसी किस्म के इख्तलाफात बच्चों के सामने न लाएं,
इसी तरह माँ जब अपनी नंद के बारे में या भाभी के बारे में कमेंट्स करती है या फ़ोन के ऊपर बात करती है अपनी माँ से और कहती है कि मेरे शोहर ने ये किया, अपनी नंद के लिए फलां गिफ्ट दिया, मुझे कभी जोड़ा नहीं दिया कपड़ों का, उसको दे रहा है वगैरह, इस तरह की कोई जुमला किसी किस्म का, बच्चा उसे 10-20 गुना ज़्यादा समझता है। बड़ा अहम माँ ने जुमला बोल दिया और ख़त्म हो गया है। माँ बड़ी है, समझदार है, उसने एक जुमला बोला और ख़त्म हो गया। औरतें ऐसी जज्बाती होती हैं, जो बात उसने कह दी उगल दी ख़त्म हो गई, उसने कोई नहीं वो, लेकिन बच्चे के जहन में वो चीज़ ऐसी पक्की हो जानी है कि वो उसने अपनी लाइफ में बचपन में भी साथ देना है उसका, बड़े होके भी देना है, और वो बाप को अगली नस्ल को आप ट्रांसफ़र कर जाते हैं वो सारा कुछ। ठीक है, एक सर बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ जो खसूसन मजहबी घराने हैं, बच्चे अपने बेशुमार ऐसे मामला जो उनके मन में पक रहे होते हैं, उनके अंदर को टॉर्चर कर रहे होते हैं, ख़राब कर रहे होते हैं, वो ना पेरेंट्स से शेयर करते हैं, ना किसी शर्म व हया की वजह से अपने बड़ों से शेयर करते हैं, कोई बलूगत के कुछ मसाइल होते हैं। तो क्या आपने अपनी इस किताब में उन चीज़ों को भी डिस्कस किया है जिसमें बच्चों को और वालदैन को रहनुमाई मिले कि उस बड़ी हसास उम्र में बच्चे पेरेंट्स से सवाल कर सकें या वालदैन ख़ुद ब खुद उनकी रहनुमाई कर सकें इस बारे में? बिल्कुल, इस किस्म की चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो चौथा चैप्टर है जिसमें हम शर्म हया और इस्तेहसाल को डिस्कस किया, उसमें इस उम्र से मुतल्लिका क्वेश्चंस जितने भी बच्चे के अंदर फिज़िकली जाहिर सी बात है चेंज आ रही है, बच्चे का ज़ाहरी जिस्म में भी तब्दीली आ रही है, उसके दिमाग की ग्रोथ भी चेंज हो रही है, उसकी जज्बाती सतह भी चेंज हो रही है, ये तीनों लेवल उसके बदल रहे हैं, उसके जिस्म में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके अंदर नफसियाती तब्दीलियाँ भी आ रही, तो उसको वो जाहिर सी बात है उस वक्त उसके जहन में सवालात पैदा होते हैं, अगर उस वक्त कोई उसे रहनुमाई नहीं करेगा तो लामहाला वो फिर बड़े बच्चों से रहनुमाई लेगा और बड़े बच्चे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसे मिसयूज़ करेंगे। जी जी ठीक, या कोई ऐसा अंकल उसको मिल जाएगा जो उसे गुमराह करेगा, या उसके बड़े जो दोस्त होंगे वो उसको गुमराह करेंगे और उसके बिगड़ने का चांस होगा। तो दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे, हिम्मत करे, अदरवाइज़ वो ऐसी इस्लामी किताब ले पढ़े जिसके अंदर उसको गाइडेंस मिल जाए। जी, तो इस सूरत में ये बेहतरीन चीज़ है, अगर पेरेंट्स भी हिचकिचाहट रखते हैं, हिजाब मौजूद है तो खुद नहीं पढ़ सकते, खुद बच्चे को नहीं सिखा सकते, कम अज़ कम उसको किताब तो दे सकते हैं, बेटा ये पढ़ लो। बिल्कुल दोस्त। अच्छा, इसमें सर एक सवाल ये है कि अमूमन हमारे यहाँ इस तरह का लिटरेचर या बुक्स नहीं होती जो बच्चों की इस तरह की नाजुक चीज़ों को जो उनके जहन में हैं लेकिन उन्हें रहनुमाई करने वाला नहीं है, बुक्स और लिटरेचर नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी छोटी छोटी एपिसोड वीडियो बन के या बच्चों के किसी तरीक़ा से क्लासेस में या निसाबात में इसको शामिल किया जा सके? मतलब ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू इसके जो मुश्तमिलात हैं या इसमें जो मजामीन हैं या इसमें जो आम आभास हैं वो उन तक पहुँच सके, क्या आपका इन फ्यूचर इस तरह का कोई प्लान है? फ़िलहाल तो सिर्फ यही एक किताब जो है, ये तीन एडिशन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में छप चुके हैं इसके, और दो एडिशन इसके इंडिया में उर्दू में भी और हिंदी स्क्रिप्ट के साथ भी शाये हो चुके हैं माशाल्लाह। उसके अलावा इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी अभी जारी है, विद इन कपल ऑफ मंथ आई थिंक हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा काम और वो शाये हो जाएगी। जब इंग्लिश कम्यूनिटी की तरफ भी ये जाएगी तो फिर हमें एक अभी ये इब्तदाई सा फीडबैक ही आने लग गया है, ये जैसे आपने बात की अभी, इसी तरह चंद एक और दोस्तों ने भी कहा है कि इसको सिलेबस के नुक्ता नज़र से भी इसको ढाला जाए अगर तो क्या ख्याल है। जी जी, इंग्लिश ट्रांसलेशन आने तक मैं रुका हुआ हूँ, अभी इसको मज़ीद नहीं सोच रहा, उतनी देर फीडबैक भी और आ जाए, आइडिया ज़रा मैच्योर हो जाए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि किस लेवल पर जा सकता है। जी, इंग्लिश ऑडियंस की तरफ से भी जब फीडबैक आएगी ना तो उससे आइडिया और मैच्योर हो जाएगा, फिर एक जामे किस्म का जो है ना सिलेबस इंशाल्लाह बनाएंगे, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। जी, तो देखते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, दियो ना जरा माइक। ठीक, आप सब लीजिए। नहीं ठीक है, मैं तेरे नाल यहाँ देखो ना लेवल पे। अच्छा जी, आप आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो मैं एंजॉय कर रहा था और मुझे खुशी हुई है कि इनके पास एंकरशिप की सलाहियतें हैं, ही कैन कंडक्ट अ वेरी गुड इंटरव्यू। तो आप प्रैक्टिस करें। और अब्दुस्तार भाई का ये है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, इनकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं और इनकी सोशल मीडिया स्किल्स भी अच्छी हैं। तो मैं पीछे बैठा सोच रहा था कि जब तक आपका ये निसाब किताब किसी और एंगल से भी कन्वर्ट होती है ट्रांसलेशन में, या इसको आप ट्रेनिंग मैनुअल बनाते हैं या निसाब की तरफ लेके जाते हैं, तो आप अपनी गुफ्तगू के ज़रिए 5-5, 10-10 मिनट के छोटे क्लिप बना के ना तो अपने फेसबुक पेज पे या सोशल मीडिया पेज के ऊपर इन मौजूआत को, यानी 5 या 10 मिनट का एक क्लिप हो, उसमें प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन बयान कर दें।
ताकि ये जो किताब है हर आदमी नहीं पढ़ सकता, तो जो लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच हैं वो उसमें उस ज़रिए से भी ये समझ लें, इसका वीडियो वर्जन आ जाएगा। आप जहाँ फरमा रहे हैं लोग पढ़ने की बजाय सुनने में ज़्यादा आसानी फील करते हैं, पढ़ते हुए ज़ाहिर सी बात है हर बंदा लिटरेट इतना नहीं होता, सुन हर बंदा लेता है। हाँ तो अच्छा आइडिया है, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, इंशाल्लाह देखें। मेरे पास और भी बड़े अच्छे मशवरे हैं, तो हम तीनों को इजाज़त दें, तुम खुदा हाफिज़ कह लो। खुदा हाफिज़ इस तरह है कि हम डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ छोटे छोटे एपिसोड की सूरत में जो हमारी नस्लों की या हमारे समाज की ज़रूरत होती है अखलाकी, फ़िक्री, नज़रियाती, इल्मी या रूहानी हवाले से छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करके हमारे जो सामीन तक पहुँचाते रहते हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अपने इस काम को जारी रखेंगे। आखिर में मैं डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब का और मोहतरम अब्दुस्तार महाजन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये जो सेशन जॉइन किया, उम्मीद है कि ये हमारे तमाम सामीन के लिए बड़ा मुफीद रहेगा। वस्सलाम। यानी खुदा हाफिज़ भी खतीबाना सलाही था काफ़ी ने, माशाल्लाह। मेरी तरफ़ से आप सबको खुदा हाफिज़ जी, और मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे आप कोई मैसेज देखने वालों को, वालदैन को, पेरेंट्स को, नौजवानों को दें, और उसी मैसेज के साथ हम इसका इख्तिताम कर दें, क्योंकि आपका माइक तो लगा हुआ। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें इस पर अमल की तौफीक दे। सबसे अहम चीज़ अमल है, और सिर्फ इल्म जो है वो अधूरापन है। इल्म जो होता है वो कमाल को तब पहुंचता है जब वो अमल में ढल जाता है। तो लिखने वाले बहुत कुछ लिख गए, ये भी उस लिखने वालों की लिखाई में एक इजाफा हो गया है। अगर ये लाइब्रेरी में पढ़ी रह जाती है तो इसका कोई पर्पज़ नहीं है इस किताब का। तो किताब के ऊपर अगर अमल दरामद किया जाता है और बच्चों की उस हवाले से निगहदाश्त की जाती है और उसके ऊपर वर्किंग होती है, उनकी तरबियत होती है अच्छी, तो डेफ़िनेटली माशरे में चेंज आएगा और अगली नस्ल जो है वो एक अच्छा माशरा जो है वो देख सकेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने देखा होगा हमारा जो स्टाइल है ये बिल्कुल ऐसे ही, जैसे दोस्त हम चाय पे बैठ के गपशप मारनी थी हमने वो गपशप रिकॉर्ड किया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई कमर्शलिज्म नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ना आज इनको पता था ना मुझे पता था, अचानक बैठे बैठे मौका बन गया, तो मैंने कहा मुलाकात तो करनी है, सलाम तो भी करनी है, गपशप मारेंगे क्यों ना वो रिकॉर्ड कर लें। तो से पाक फितरी, हाँ, और उसमें इनकी सलाहियतें भी उभर के सामने आ गई है। तो इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।